गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने शीतकालीन समय में बंद रहने के बाद आज खुल गए हैं। ऐसे में गंगोत्री धाम में भी इन दिनों तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गंगोत्री धाम बाजार के व्यापारी अपनी दुकानों के साथ सज्जा में व्यस्त हैं, जिसके साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। भक्त अगले 6 महीने तक गंगोत्री धाम में माता की पूजा अर्चना कर सकेंगे। उत्तरकाशी के बाजारों में रौनकें लौट आई हैं। 6 महीने कपाट बंद रहने के बाद गंगोत्री के कपाट आज खुल गए हैं। भक्त अगले 6 महीने तक पूजा अर्चना के लिए यहां पहुंचते रहेंगे। उत्तरकाशी के इस मेले की झलक आप देख रहे हैं कि कैसे पालकी में सजा सवार कर अपने भगवान की झांकियां श्रद्धालुओं ने निकाली हैं। आज से शुरू हो जाएगी चार धाम यात्रा। यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। वहीं इन बाजारों में रौनकें लौट आई हैं, व्यापारी बेहद खुश हैं, दुकानदार अपनी दुकानों की साज सज्जा में लगे हुए हैं। इलाके के 6 तारीख को महापतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो हजारों श्रद्धालुओं के साथ बुकवा से 12:45 पे गंगोत्री के लिए रवाना होगी। रात्रि निवास हम लोग भैरव घाटी में करते हैं, वहाँ पर सारी रात भजन कीर्तन होता है और 7 तारीख को तड़के ही सुबह 9 बजे तक हम सब लोग गंगोत्री माँ गंगा को लेकर पहुँच जाएंगे और 11:30 पर अमृत वेला में माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा के जो कपाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सारे श्रद्धालु निर्माण दर्शन भी करते हैं और माँ पतित पावनी की अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो वहाँ पर पहुँचते हैं।